गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन. सो इन ईवियस लेसन नंबर 20 दैट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप. दिस इज नेक्स्ट पार्ट. सो लेट्स सी. यस द फर्स्ट इज टेक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड. ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी हैं जो बिना वाटर के नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वाटर उसमें बहुत ज़रूरी होता है. सो उसमें आपको कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको टिक करना है. तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है. लाइक मेकिंग टी, टी बनाना है तो उसमें मिल्क या मिल्क के साथ वाटर भी चाहिए होता है, या फिर केवल वाटर से बना सकते हैं हम चाय. खेलने, प्लेइंग के लिए, लेकिन प्लेइंग के लिए तो मुझे लग रहा है कि जनरली प्लेइंग के लिए कोई वाटर की ज़रूरत नहीं होती है. अगर कोई वाटर वाला गेम है तो अलग बात है. ठीक है, बट प्लेइंग के लिए आप टिक मत लगाना. नेक्स्ट बाथिंग, बाथिंग के लिए तो वाटर चाहिए है ना, बिना वाटर कैसे होगा. देन सिंगिंग के लिए और राइटिंग के लिए तो वाटर नहीं चाहिए है ना. नेक्स्ट येस फॉर ड्रिंकिंग, येस फॉर बोटिंग, येस फॉर नीडिंग डो, येस आटा गूंथने के लिए भी चाहिए, एंड क्लीनिंग द हाउस, वहाँ भी आपको वाटर चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ थे जिसमें आपको वाटर ज़रूरी होता है. ठीक है, वो आपके यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से. नेक्स्ट इज फॉर यू स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाले चीज़ हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है फिर आपको आंसर बताना है. नंबर वन इज देयर वी शुड यूज ओनली एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड. येस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर. ठीक है, जितना वाटर की जरूरत होती है उतना ही वाटर हमको यूज करना चाहिए. वाटर नहीं, कोई भी चीज़ है जितना आपको जरूरत होता है यूज करना चाहिए. जैसे मान लो आप कोई खाना खा रहे हो, कुछ ईटिंग मटेरियल है, वो भी जितना आपको जरूरत है, जितना आप खा सकते हो उतना यूज करना चाहिए है ना. ज़्यादा नहीं लेना चाहिए आपको, वेस्ट करना नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट नंबर टू, वाटर इज ऑलवेज क्लीन. नो, वाटर तो हमेशा, हमने कल बात किया था ना, कहीं कहीं वाटर बहुत खराब होते हैं, गंदे होते हैं, जिससे बीमारियाँ होती हैं. ठीक है, तो वाटर इज नॉट ऑलवेज क्लीन. ठीक है, आपको हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए. ठीक है, सो इट इज फॉल्स, यहाँ पे आप फॉल्स लिख देना. नेक्स्ट नंबर थ्री, When we are thirsty, we should demand sufferings. ठीक है, we should demand sufferings. No, that is गलत. ये क्या हो गया, आपका wrong हो गया. ठीक है, इसको आपको false करना है, ये true नहीं होगा. ठीक है, sufferings नहीं, आपको पानी की ज़रूरत होती है. That is false. Next, number फोर, we should spread the message of saving water always. ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए. जहाँ भी कोई water waste करता है, water को यूज मतलब प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं ना, वहाँ आपको जरूर उनको बताना चाहिए, या फिर उनको समझाना चाहिए, या फिर और लोगों को भी ये आपको बातें बतानी चाहिए. ठीक है, रिगार्डिंग सेविंग वाटर. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. नंबर फोर, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. येस दैट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट नंबर सिक्स, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल. ठीक है, ये भी है, सही है. ठीक है, ये आपको, ये इसको सही कर लेना आप. ठीक है, सॉरी. ठीक है, ये भी क्या है, ये भी सही है, ट्रू है. ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है, नंबर सिक्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दिस इज लास्ट वन. सजेस्ट वेज टू वेज ऑफ सेविंग वाटर. ठीक है, वाटर को सेव करने के लिए कौन कौन से तरीके आप यू कैन डू. लाइक फर्स्ट वन, डू नॉट लेट द वाटर टैप कीप रनिंग वाइल ब्रशिंग और सेविंग. ठीक है, सेव करते समय, ब्रश करते समय है ना, वाटर बहुत वेस्ट करते हैं जनरली लोग. ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए. नंबर टू, यूज बकेट इन प्लेस ऑफ सार फॉर बाथिंग. मैंने, हमने कल भी बात किया था, सार की जगह पे आपको बकेट यूज करना चाहिए नहाने के लिए. रीयूज द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. येस, ठीक है, तो ये जो वाटर वेस्ट होता है, बचता है ना वेजिटेबल को वॉश करने के बाद, उसको आप प्लांट्स में डाल के यूज कर सकते हो. नंबर फोर, मॉप द फ्लोर इंस्टीड ऑफ वॉशिंग. ठीक है, तो जो फ्लोर को ना ज़्यादा वाटर डाल के वो वॉश करते हैं, ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है उसमें. ठीक है, आप तो सपोज क्या सफाई कर सकते हैं, केवल वाटर को डाल के नहीं, उसको कहते हैं क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे. तो जो है फर्श को जो है साफ करते हैं कपड़े से, वो आप कर सकते हैं. ठीक है, वाटर को सेव करने के लिए. यूज टब फॉर वॉशिंग वेसल्स इन प्लेस ऑफ रनिंग टैप. यस, जब हम बर्तन वगैरह धुलते हैं ना किचन में, तो हम टैप ऑन करके उसको धुलते रहते हैं, पानी ज़्यादा यूज होता है उसमें. ठीक है, आप उसमें वेसल यूज कर सकते हैं, कोई भी टब ले सकते हैं, उसमें वाटर फिल करके उसमें आप धुलिए उसको. ठीक है, यहाँ पे वाटर सेव होगा थोड़ा, है ना. तो दिस वाज द वेज ऑफ सेविंग वाटर. ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना. सो इन ईवीएस इज वॉज फॉर टुडे. थैंक यू, टेक केयर.